बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सादा तरीके से चिकन। तो चिकन बहुत ही ग्रेवीदार मसालेदार बनकर तैयार होने वाला है, और आप इस रेसिपी को स्किप मत कीजिए, एंड तक ज़रूर देखिए कि हमने कैसे इसको बनाया। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। 1 kg मैंने चिकन लिया, इसको छोटी मोटी कर लिया, और इसमें 1 गिलास पानी डालकर 1 टीस्पून नमक डालकर 5 फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया। ये मेरे पास एक छोटा प्याज चॉप किया, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक है, 1/2 इसमें मैं शामिल कर दूँगी और बाकी बाद में शामिल करेंगे। आप देखते रहें कि किस टाइम पे कौन सी चीज़ शामिल करनी है। और ये टमाटर का पल्प है, ये फ्रीज हुए हुए थे, मैंने इनका छिलका उतार के पेस्ट कर लिया। और यहाँ मैंने घी शामिल किया 1 1/2, ये लकड़ी का चम्मच, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको फ्राई करेंगे 4 मिनट हाई फ्लेम पे, और 4 मिनट फ्राई करने के बाद हम इस टाइम पे बाकी जो प्याज और जिंजर गार्लिक का पेस्ट हमने रखा था वो ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि इस टाइम पे शामिल करने में जो चिकन के अंदर एक अरोमा आएगी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही खुशबूदार जायकेदार हमारा चिकन मसालेदार तैयार होगा। आप इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखें, आपको फ़र्क साफ नज़र आएगा, एक डिफरेंट जायका। और हमारा चिकन फ्राई हो चुका है तकरीबन 3 मिनट। इसके बाद इस टाइम पे हम खड़े मसाले का इस्तेमाल करेंगे, जो बहुत ही कम मिकदार में है, 1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। नमक हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही नमक ऐड कर लिया, और जब हम इसमें पानी का शामिल करेंगे तो फिर हम नमक टेस्ट कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो तब ऐड करेंगे। और ये देख सकते हैं 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसकी कंडीशन इस तरह है। अब इसमें ऐड करेंगे मैश किए हुए छिलका उतारे हुए टमाटर 2 अदद, और ये जल्दी ही घुल जाएंगे। अगर छिलका उतारे हुए टमाटर ऐड करें तो बहुत जल्दी घुल जाते हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मसालेदार चिकन लग रहा है। अब इसमें गरम गरम पानी ऐड करेंगे, 1 गिलास गरम पानी ऐड करने से बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छे जायकेदार चिकन बनकर तैयार होगा। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए और बाद में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हल्की आंच पे रखेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट ढक्कन लगाकर, बिल्कुल हल्की आंच पे, और इसकी ग्रेवी चेक कर सकते हैं कितनी थिक कितनी मज़े की लग रही है। और हमारा चिकन ये देखें बिल्कुल रेडी है। अब इसमें 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें थोड़ा सा कट लगाकर इसमें ऐड कर देंगे। ढक्कन लगाकर 3 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। इसकी जो खुशबू है सब्ज़ मिर्चों की बहुत ही अच्छी लगती है चिकन में। आप तंदूरी चपाती और नान के साथ इसको खाएं और फिर फीडबैक दें कि ये कैसा आपको लगा, ये रेसिपी कैसी लगी। अभी आपको फाइनल लुक इसकी दिखाते हैं डिश आउट करके। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार मसालेदार ग्रेवीदार और कम मसालों से तैयार किया हुआ सालन, कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है और बहुत ही क्विक रेसिपी है ये। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें फैमिली फ्रेंड के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूला करें। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगली और नई वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।